आईएएस परीक्षा परिणामों में 38वां स्थान हासिल करने वाले आरएसपुरा क्षेत्र के गांव रेलवे पटरी के अभिषेक अगस्ता के पिता दर्शन लाल अपने बेटे की सफलता पर खुशी जताते हुए बताया कि अभिषेक की फिलहाल शिमला में ट्रेनिंग चल रही है। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। दर्शन कुमार रैना, अभिषेक अगस्ते का पापा हूँ, फादर हूँ उनका। आज यूपीएससी ने 2019 का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया है, जिसमें मेरे बेटे अभिषेक अगस्ते ने 38th ऑल इंडिया रैंक ये वो सिक्योर किया है। ऑलरेडी वो 2018 में क्वालिफाई किया था 268 रैंक लेके, सर्विस में है, इंडियन ऑडिटेड अकाउंट सर्विस अंडर ट्रेनिंग है वो शिमला में। आज जब ये न्यूज़ हमें मिली तो सच में बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभिषेक की यही चाह थी कि मैं जो बेस्ट अपना दूं और जो बेस्ट सर्विस जिसे हम आईएएस बन के लोग देते हैं वहां तक मैं पहुंचूं, और आज उसका वो जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा ने किया थुम्बा का दौरा और सुनी लोगों की समस्या। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब पीएम कार्यालय से आया था, जिसके अंतर्गत जिला उपायुक्त राजौरी को ये निर्देशित किया गया था कि जल्द से जल्द इस गांव के लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मगर उस पत्र का जवाब आए एक वर्ष बीत गया है, लेकिन संबंधित विभागों के सह अभियंताओं ने इस दशा में कोई कदम नहीं उठाया। अनिल कग्याल की खास रिपोर्ट। आज हमारी टीम थुम्बा में खड़ी है, हमारे सामने पंचायत देवक, हमारे पीछे पंचायत नाला, हमारे लेफ्ट साइड पंचायत हथल, तीन पंचायतों से घिरा हुआ जो बिलस थुम्बा, समस्याओं से घिरा हुआ जो बिलस थुम्बा, पानी और बिजली और सड़क की समस्याओं से घिरा हुआ जो बिलस थुम्बा, ये देशभक्त लोगों को प्रणाम करने का दिल करता है, इनके पांव को चूमने का दिल करता है, वो गद्दार नेता, वो एमपी, वो एमएलए, वो एमएलसी जो पिछले 70 वर्षों से इनका खून चूसते आए हैं, लेकिन आज तक ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सामने शिवखोड़ी का दरिया निकल के सीधा ठंडा पानी से निकल के, सियोट से निकल के सीधा पाकिस्तान की ओर जाता हुआ, ये इस थुम्बा बिलस को आपस में तीन हिस्सों में बांटता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये थुम्बा वासी जो है ये हर चीज से महरूम है, और यहां आके हमें पता चला कि इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सबसे आला ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां तक इन्होंने अप्रोच लड़ाई, रोड के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, लेकिन इनकी समस्या यूं की त्यूं है। पंचायत पचेल के सरपंच सुभाष सैनी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए मंगलवार को पंचायत के गांव कुल खुर्द में गली को पक्का करने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विकास कार्यों की शुरुआत करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच सुभाष सैनी ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत उन्होंने इस मांग को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा था और आज इस कार्य की शुरुआत कराई गई है। सरपंच ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पंचायत के विकास कार्यों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन अब फिर से सरकार के निर्देशों के बाद इस विकास कार्यों को शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में तेजी के साथ विकास कार्यों को पंचायत में कराया जाएगा। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। ये बड़ी पुल खुर्द की बड़ी पुरानी डिमांड ही, ये बैक टू बिल्ड च रखिया ही असें प्रोग्राम, तो अज जिहड़ा एक पैसा आया और इन्हें मैं आख्या था, इन्हें भी बड़ा हौसला रखिया। साथियों, मैं सब तो पहले कूल खुर्द वालें की मतिया मतिया मुबारखा देंग, ये जिहड़ा जिहड़ा बड़े पुराना जदों दे इत्थे बसा दे ने कूल खुर्द वाले, ये अदूं तक रोड नहीं बनिया, क्योंकि नानके मेरे भी इत्थे गए, मैं ही पता है, तो पहले लोग जोड़े होंगे वो नानके का वाधा आते, अजकल तो बच्चे प्यार नहीं है कि नानकी घर जाना कि नहीं जाना, मैं पूरा पता है कि भी इतना आना रहा, इधर के पढ़ने स्कूल जो रहे लोग, लेकिन इस रोड कुछ ने नहीं बनाया। अज तुम्हें यदि मुबारक है कि भी ये रोड जोड़ा
विद नाली लेन ड्रेन बननी है। अगर आप भी बनना चाहते हैं जो कि खबरनाओं का सिटीजन रिपोर्टर, तो आप अपनी खबर अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। खबर के साथ अपना फोटोग्राफ या वीडियो और मोबाइल नंबर जरूर भेजें। गबरू मेंस लग्जरी सैलून सर्विसेज अवेलेबल। एडवांस हेयर कट, बियर्ड, फैशन हेयर कलर, स्मूथनिंग एंड केराटिन, फेसियल, डीटैन, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइलाइट्स। अपोजिट एस्क्वास्ट मेन रोड, आरएसपुरा, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9622386022।